गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे मम्मी जी मम्मी जी क्या बनाने जा रहे हैं आज? आप काले चने बना रहे हैं। आज मम्मी जी काले चने बनाने जा रहे हैं। इसके लिए ये सारी सामग्री मम्मी जी ने पहले ही रख दी है। काले चने लिए हैं एक कटोरी भर के, बड़ी कटोरी लिए है भर के, और प्याज लिए हैं 4-5 प्याज हैं और 2-3 टमाटर हैं, अदरक को कट कर लिया है और लहसुन है, आलू है, और इसे सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। साथ ही स्पाइसेस हैं नमक, टर्मरिक पाउडर, हल्दी और किचन किंग मसाला और रेड चिली पाउडर। तो इसे बना मम्मी जी अपने स्टाइल में रहे हैं। इस जो हमारे ये तड़के का तड़के को, जैसे ये लहसुन है और ये अदरक है, प्याज है, इसे मम्मी जी कुंडी में बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में। तो चलिए मम्मी जी बनाना स्टार्ट करें फिर हम। हाँ जी, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। दो कड़छी मम्मी जी ने सरसों का तेल डाल दिया है। ये जो चने की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, ये इसमें ताकत बहुत होती है। ये अगर शरीर में ब्लड की कमी हो उसको भी पूरा करता है। काफ़ी ताकतवर इसकी जो करी होती है, काफ़ी ताकतवर होती है। तेल को हम अच्छे से पका लेंगे, तेल कच्चा नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा तेल बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मम्मी कुंडी में कुटा हुआ मसाला डालने लगे हैं। ये देखिए, कुंडी में कुटे हुए मसाले की अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही टेस्ट होता है। इसे अच्छी तरह पकाएंगे। अदरक और लहसुन कच्चा नहीं रहना चाहिए। हमारा अदरक लहसुन थोड़ा नरम पड़ गया है, थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, ग्राइंड किया हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। जितना ये प्याज पकेगा उतना ही अच्छा बनेगा तड़का हमारा। तो चलिए प्याज को पका लेते हैं। हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करें। हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं अब हम इसमें चने डाल देंगे। चने ऐड कर दिए हमने। अब साथ ही हम सारे स्पाइसेस डाल देंगे, हल्दी, किचन किंग मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक। ये किचन किंग मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। हम तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इसमें आप जो करी बनानी है, आपने इसकी जो तरी रखनी है उसको अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अगर आपको थिक चाहिए तो पानी थोड़ा कम डाल लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी पतली तरी चाहिए या करी चाहिए, वो पानी उसके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। ये मम्मी जब पानी डालने लगे हैं इसमें, ये देखिए मम्मी जी ने बाउल भर के पानी डाल दिया है। इसकी ग्रेवी इस तरह है। इसे हम अब 4-5 सीटी लगाएंगे। तो 4-5 सीटी के बाद हम थोड़ी तरी और डालेंगे ताकि ग्रेवी थिक होके। फिर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया था, अभी हम इसको 4-5 विसल लगने देंगे। उसके बाद हम थोड़ी तरी और लगाएंगे
और साथ ही हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे। ये बॉयल्ड पोटैटो हैं, इन्हें हम जब सेकंड टाइम हम करी लगाएंगे तो ऐड करेंगे। ये विसल आनी शुरू हो गई है। चार पांच विसल लगवाने के बाद हम चनों की तरी को चेक करेंगे और इसमें और तरी ऐड करेंगे। वाह, कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसमें आलू भी ऐड करने हैं, हमने बॉयल्ड आलू हैं। आप चाहे तो विदाउट उबाले भी आप इसमें आलू डाल सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो नहीं भी ऐड करें, लेकिन आलू डालने से, पोटैटो डालने से करी और भी रिच बन जाती है। ये देखिए, ये ठीक है। अब इसमें और हम करी लगा देंगे। ये देखिए, अब इसमें मम्मी जी कस्तूरी मेथी डालने लगे हैं, ड्राई की हुई कस्तूरी मेथी। ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तरी लगा देंगे। ये आपकी चॉइस है कि आपने इसे विसल लगवानी है या खुला पकाना है। अगर आपने विसल लगानी है तो दो या तीन विसल, अगर आपने खुला बनाना है तो आप 15 मिनट इसे पका सकते हैं। अब इसमें हम करी डाल देंगे और 15 मिनट खुला बनाएंगे और ढक देंगे, इसे कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। बस उसके बाद हमारे चने की तरी, चने की सब्जी तैयार होगी। तो चलिए 15 मिनट पका लेते हैं, उसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये लीजिए, हमारे चने रेडी हैं, अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। देखिए, हमारे चने की सब्जी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।